नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देवभूमि उत्तराखंड के पूरे परिवार की ओर से। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा मकर संक्रांति के बारे में, और इसके अलग अलग प्रारूप हमारे पूरे देश में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप से, किसी न किसी नाम से नेपाल में भी यह मनाया जाता है और कई अन्य देशों में भी यह मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के कई भागों में उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है इस पर्व को। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह स्थिति उत्तरायणी की स्थिति के साथ ही हुई थी, इसलिए मकर संक्रांति और बसंत पंचमी को अब एक साथ मनाया जाता है। इन दोनों में दोस्तों मैं आप लोगों को अंतर स्पष्ट कर दूं मकर संक्रांति और उत्तरायणी में। मकर संक्रांति दोस्तों पूष माघ में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है, और दोस्तों उत्तरायणी का मतलब है जब सूर्य दक्षिण में अस्त होकर उत्तर दिशा में अस्त होता है तो उसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भारत के अलावा कई और अन्य देशों में भी यह पर्व मनाया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे वीडियो में किस देश में किस नाम से इसे मनाया जाता है। बांग्लादेश में दोस्तों इसे पूष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। नेपाल में इसे माघे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में सोगकरण के नाम से मनाया जाता है, और दोस्तों लाओस में इसे पीमा के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार में थियान के नाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में पोगल और उछुअल तिरुनल के नाम से इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो हमारा पर्व है इसे इन देशों में इस नाम से मनाया जाता है। दोस्तों यूँ तो मकर संक्रांति के अवसर पर नदियों के किनारे जहाँ तहाँ मेले लगते हैं, लेकिन उत्तराखंड के तीर्थ बागेश्वर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला उत्तरायणी की रौनक ही कुछ और है। दोस्तों उत्तरायणी मेला जो है वह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आयोजित किया जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था उसकी थोड़ी बहुत जानकारी। इसमें मैं आप लोगों को और थोड़ा जानकारी दूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूंगा उसमें आप लोगों को उत्तरायणी मेले में सीधे आप लोगों को वहाँ दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, उसकी पूरी वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में कल दिखाऊंगा। आज मैं वहाँ की थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों उत्तराखंड में बागेश्वर की मान्यता तीर्थराज की है। भगवान शंकर ने इस भूमि में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के अतिरिक्त लुप्त सरस्वती का भी मानस मिलता है। नदियों के इस त्रिवेणी के कारण ही उत्तरांचलवासी बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के समकक्ष मानते हैं। दोस्तों स्कंद पुराण के मानस खंड में कुर्मांचलित के विभिन्न स्थानों में विशद वर्णन उपलब्ध है। इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे स्कंद पुराण में आप लोगों को बागेश्वर के बारे में, जो इसे कुर्मांचलित या मानस खंड के रूप में जाना जाता था, उसकी जानकारी आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाएगी। इसलिए इस तीर्थ को इतना महत्व दिया जाता है उत्तरायणी मेले जहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आगे मैं आपको कल की वीडियो में उत्तरायणी के साथ और कोई थोड़ा बहुत और जानकारी दूंगा, और आपको मेले के बारे में और जानकारी दूंगा, और साथ ही उत्तराखंड में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति जिसे घुघुतिया के नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को कल की वीडियो में जानकारी दूंगा। जुड़े रहें देवभूमि उत्तराखंड के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक छोटी सी कोशिश आपको और उत्तराखंड को एक साथ जोड़ने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।